खाने ले गए, राधा रानी का दर्शन को गया था, उसमें से मेरे को ये माला मिल गया और प्रसादी मिल गया जो मैंने खाया और दोस्तों में बांटा, बहुत मजा आया, बहुत मजा। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो राधा रानी सरकार की। फाइनली जी हमको राधा का दर्शन हो गया, मेरी राधा मुझे मिल गई, सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। तालियां तालियां। हाँ तो फाइनली गाइस सुबह के हो रहे हैं 7 और हमने यहाँ पे लॉज को खाली कर दिया है, रूम खाली कर दिया। अभी से हम लोग निकलेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे अभी? ये मंदिर कौन सा? वृंदावन। वृंदावन नहीं, पहले हम लोग जाएंगे मथुरा में जो है कृष्ण जन्मस्थल, उसका दर्शन करेंगे, उसके बाद खूब मजे करेंगे। तुम लोग का चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो। हाँ तो फाइनली गाइस सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 7 और हमने ये रहा हमारा जो लॉज था, लॉज को खाली कर दिया है। और अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए और इधर हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, लॉज से निकल गए हैं। ये हमारा सारा अभिजीत है, निरंजन है, संदीप है, संजय है और क्या नाम है इसका, राजा है। तो अभी हम लोग सबरे सारे मिलके सबसे पहले यहाँ तो एक ऑटो वाला को या फिर कैब बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे गोकुल धाम। हाँ तो गाइस अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, अभी सबसे पहले जाएंगे गोकुल धाम। गोकुल धाम का दर्शन सबसे पहले आपको हम कराएंगे। और हाँ, उससे पहले गाइस तुम लोग नया है तो सब्सक्राइब सपोर्ट गाइस सपोर्ट दिखाओ। हाँ और हाँ गाइस, उससे पहले तुम लोग चैनल पे नया हो तो दबा के सब्सक्राइब करना, दबा के सपोर्ट करना और हम फुल एक्सप्लोर करके दिखाएंगे गोकुल धाम और पूरा वृंदावन। तो तुम लोग गाइस बने रहो और हाँ मिलते रहते हैं, आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है क्या है? ये यमुना मैया है। यमुना मैया है, यमुना मैया है। हाँ वो सामने है, वो पुरुष जन्मभूमि का जगह है जो बोलते हैं द्वार। ये इधर जाओगे आप पहुंचोगे जन्मभूमि की साइड, जन्मभूमि। हाँ ये गोकुल गांव है, ये गोकुल गांव है आगे में। हाँ ये गोकुल गांव है जी, इधर कुंज गलियां हैं और आपको पूरा मंदिर उधर ही मिलेगा। यशोदा मैया का, पूतनावाद, योग माया, कदम का पेड़, सोने का झूला का दर्शन सब उधर ही है, सब उधर ही है। फाइनली गाइस ये गोकुल धाम का गेट आप देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग गोकुल धाम में एंट्री कर चुके हैं गाइस, काफी एक्साइटेड है, देखेंगे गोकुल धाम सोसाइटी, सॉरी सोसाइटी नहीं तो टप्पू सेना वाला हो गया, गोकुल धाम मजा आएगा गाइस, खूब मजा आएगा। तो फाइनली हम लोग आ गए गोकुल धाम में और यहाँ से तुम क्या एक्सपेक्टेशन करता है अभिजीत? शायद मेरी राधा यही मिलेगी, शायद मैं राधा की खोज में आया हूँ यहाँ। अच्छा मेरी राधा मिल जाए, चलो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी राधा यहाँ पे मिल जाए। आशीर्वाद देगा नहीं यहाँ को? अबे हम ठीक दुआ करते हैं, दुआ। ये ब्रज गलियाँ, ब्रज ये गोकुल है, गोकुल की गलियाँ, गोकुल की गलियाँ, कृष्ण और राधा घुमा करते थे। तो फाइनली गाइस गोकुल धाम में सबसे पहले हम लोग दर्शन करने वाले हैं यशोदा मैया का कुंड, जो यशोदा मैया ने यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए बनाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जूता उतार लेंगे, फिर एंट्री करते हैं प्रणाम करके। जय यशोदा मैया, ये कुंड। हाँ तो फाइनली गाइस सबसे पहले हमने कुंड का दर्शन किया, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नंद बाबा का घर जो कि सबसे प्राचीनतम जगह है यहाँ का गोकुल धाम का। बाकी तुम लोग बने रहो, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे तुम लोग को, बने रहो। हाँ नाम फाइनली गाइस, फाइनली नंद जी का महल ये रहा है। तो फाइनली गाइस नंद जी के महल हम लोग आ गए हैं, इसका नाम है श्री नंद यशोदा महल, सेवा ट्रस्ट, नंद चौक, गोकुल धाम। हाँ तो दोस्तों हमने नंद महल का दर्शन किया, वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना था इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो और फोटो नहीं ले पाया, लेकिन वहाँ पे अंदर में मैंने गया तो जगह जगह पे मूर्तियाँ लगी हुई थी, कृष्ण जी की, नंद जी की, यशोदा जी की, सबकी और पूतना की भी मूर्ति थी। और सबसे यूनिक चीज़ वहाँ पे क्या था कि सोने का झूला था जिसमें कृष्ण जी को झुलाया जा रहा था, सबसे यूनिक चीज़ यही थी। बाकी हम वहाँ से नंद महल से निकल चुके हैं अभी, फाइनली गाइस गोकुल की गलियों से हम लोग निकल गए हैं बाहर, अब आगे का सफर आगे होगा, तुम लोग बने रहो। फाइनली गाइस हमने नंद गांव गोकुल धाम देख लिया, दर्शन कर लिया, अभी हम लोग निकल चुके हैं, पूरा टीम हम लोग के साथ। और ये हम जो ब्रिज पार कर रहे हैं ना, ये यमुना नदी है, कालियानाग यहीं से आया था। और
और तो लोग फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए कृष्ण जन्म स्थल पे। ये रहा उसका गेट है ना, अंदर जाके आपको दर्शन कराते हैं। तो फाइनली गाइस मंदिर परिसर काफी बड़ा है यहाँ, काफी बड़ा है। हाँ तो एक्चुअली में गाइस हम मंदिर से बाहर निकल गए, मंदिर में घुसे थे, मेरे को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि क्या ही बताएं। एक्चुअली में गाइस यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी हाई है क्योंकि बगल में ज्ञानवापी मस्जिद सटा हुआ है, इसीलिए और केस भी चल रहा है ना, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई है। यहाँ पे आप मोबाइल तो क्या एयरबड्स भी लेके नहीं जा सकते, मैंने मोबाइल बाहर छोड़ दिया था और एयरबड्स लेके जा रहा था, उसी में मेरे को रोक दिया, एयरबड्स में रख के गया, अंदर घुसा तब जाके मेरे को घुसने को मिला। और तो फाइनली गाइस इतना कुछ होने के बाद हम लोग मंदिर से निकल गए और लस्सी का आनंद यहाँ पे लेते हुए मेरे चार दोस्त यहाँ पे हैं और दो दोस्त मंदिर के अंदर चले गए, तो वो लोग जब तक आएंगे तब तक हम लोग लस्सी का आनंद लेते हुए ना संजय। यह अभिजीत मजा लग रहा है, निरंजन कैसा लग रहा है, मजा आया, मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो जितने भी परेशानी है दिल में है यार, कभी यहाँ पे आके देखो, मतलब कितनी भी टेंशन हो यार, कितनी भी टेंशन हो, एक बार आ जाओ यहाँ, मन को सुकून मिलेगा, शांत हो जाएगा ना। अभिजीत तुम्हारा राधा मिल गया? मिल गया, वाह। हाँ तो फाइनली गाइस हमारे सारे बंदे मंदिर का दर्शन करके निकल गए हैं। ये देखो संदीप बाद में गया था और ये राजा कहाँ गया, ये बाद में गया था, ये सब दर्शन करके आ गए हैं। अब हम यहाँ से टेम्पो वाला से बात किए और हमारे को जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, ब्लॉग में देख दो भैया जी। इधर मनसा मंदिर नहीं होगा भैया? मनसा मंदिर क्या? मनसा मंदिर, मनसा मंदिर, हाँ मनसा माँ का मंदिर, घंटा भर से ज्यादा टेम्पो में सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं बरसाना राधा जी के यहाँ, राधा की नगरी। और ये देखो ये जोड़िया की नदी, मेरे को नहीं पता क्या है, बताओ जोड़िया की नदी है क्या की नदी है, पता नहीं हमको भी। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। और यहाँ पे गाइस हम लोग को थोड़ा बहुत पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बरसाना पहाड़ी के ऊपर है। पहले गाइस हम लोग मंदिर के ऊपर पहुंच गए हैं, यह मंदिर का एरिया है, ये देखो, ये देखो, और ये क्या यहाँ पे सेल्फी स्टैंड। और यहाँ चढ़ते ही सबसे पहले हमारे को मिलता है पानी का व्यवस्था, यहाँ पे आप पैर वैर धो सकते हो, धो लेते हैं। ओ गाइस यहाँ से तुमको दिखाता हूँ व्यू, यहाँ से तुम व्यू देखो, व्यू यार बरसाना का व्यू देखो यहाँ देखो। सच में यार राधा रानी का जो मंदिर है ना वो टॉप में है, मतलब पहाड़ी के ऊपर है, यहाँ से पूरा व्यू आपको जो दिखेगा ना, खतरनाक व्यू दिखे, खतरनाक व्यू देखे क्या तुम देखो। और ये है राधा रानी का मंदिर, लाडली जी महाराज बरसाना। मंदिर बंद हो जाएगा, और मंदिर को अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, ये देख सकते हो। महिला से तालुका परिचय है, जिसके लिए अभी हो अपनी पहचान के तौर पर कमेटी कार्यालय में जा रहा है।
मैंने लेकर राधा रानी का दर्शन को किया था, उसमें से मेरे को ये माला मिल गया और प्रसादी मिल गया जो मैंने खाया और दोस्तों में बांटा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यहाँ पे हर एक जगह पे नारा लगा रहा है राधा रानी की जय। सुकून मिल गया, सुकून मिल गया। तो हमारे अभी को राधा रानी का दर्शन हो गया, इसको मिल गया सुकून। तो बोलो राधा रानी की जय। हाँ तो फाइनली गाइस हमने राधा रानी का दर्शन कर लिया, अब हम मंदिर से निकल गए हैं। अभी हम जाएंगे बाहर की ओर, और हमें जाना है कहीं और दूसरा मंदिर जहाँ मजा खूब आएगा। और यहाँ का जो व्यू है गाइस खतरनाक औसम, मेरे को मजा आ गया। ये देखो यार, इधर भजन चल रहा है शायद गाइस। तालियां तालियां। हाँ तो फनी ले गाइस, क्या बताएं, बरसा ना के राधा मंदिर में मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। बहुत एंजॉय किया हम लोग ना रे, बरसाना के मंदिर में बहुत इंजॉय की, बहुत ज्यादा इंजॉय की, का ही बताएं, बहुत मजा। और ये हम लोग गेट से बाहर निकलते हुए, बाकी दोस्त हमारे पीछे आ रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग बरसाना से निकल चुके हैं, हम लोग टेम्पो में बैठ चुके हैं। बरसाना से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वृंदावन, सॉरी बरसाना से वृंदावन की दूरी इतनी है ना कि क्या बताएं, लगभग 55-56 किलोमीटर की दूरी है। और हमें टेम्पो में जाने में एक घंटा से ज्यादा का समय लग रहा है। और हमारे जितने भी साथी है, देखो यार तुम लोग है, सब सो रहा है, ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, ये तो खड़े खड़े सो रही है, ये तो ऐसे भी सो रही है, ये ना सो रही है, और हम भी सो ही रहते, खाली बस वीडियो बनाने के लिए बाहर से आ गए। और ये देखो यो है NH2 जो हमारे पीछे, ये है ना, ये NH2, इसमें आप सीधे उधर जाओगे तो चल जाओगे गोविंदपुर निरसा धनबाद चल जाओगे, और सीधे इधर जाओगे तो दिल्ली चल जाओगे, दिल्ली समझा। तो बस अब गोवर्धन में वृंदावन में दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस निकल लेंगे हम अपने घर की ओर, सॉरी घर की ओर की नहीं, मारुति गेट की ओर। और तुम लोग को वीडियो कैसा लगेगा तुम मेरे को बनाना। लव यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।